बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लेकर है, आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चाह रहे हैं फर्स्ट पे अकाउंट से बैंक यानी कि बिल पे करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का या गैस का या बिजली का, तो आप फर्स्ट पे एप्लीकेशन से बिजली और गैस के बिल को कैसे पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप एप्लीकेशन में लॉगिन करें तो यहाँ पर पे बिल का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। पे बिल पर आपने क्लिक करना होता है। पे बिल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह कुछ इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बिल है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, गवर्नमेंट की बिल है, कोई भी आपका पानी का बिल है, तो यहाँ पर वो तमाम बिल मौजूद हैं। तो जो आपका बिल है वो आपने लोगों पर क्लिक करना है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है किस कौन सा अदारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है तो यहाँ पर तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक अदारे मौजूद हैं जो जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर फैसलाबाद में फ्रेस्को है, यहाँ पर मुख्तलिफ कुछ चंद इलेक्ट्रॉनिक अदारे हैं मौजूद, ऐड है, कुछ ऐसे हैं जो अभी तक ऐड नहीं हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेस्को है फैसलाबाद में वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने रेफर नंबर देना होता है, जो आपके बिल के ऊपर रेफर नंबर लिखा होता है वो आपने यहाँ पर लिखना होता है। मैं आपके सामने अपना रेफर 1400 का नंबर होता है, वो आपको कहाँ से मिलेगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास बिल मौजूद है तो यहाँ पर आप जूम करेंगे तो यहाँ पर आपका रेफर नंबर लिखा होता है 1400 का। ये रेफर नंबर आपने लिखना होता है, कापी कर लें, करें कापी यहाँ पर करें। उसके बाद ये रेफर नंबर होता है, यहाँ पर आपको रेफर नंबर भी दिखा देता हूँ। उसके बाद ये इन तमाम के लोगो होते हैं, यहाँ पर इनके नाम लिखे होते हैं, आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये तमाम लोगों के साथ मीटर का जो लोगो होता है, बिल का लोगो, उसके साथ ये नेम भी लिखा होता है, ये इसके गोल सर्कल में भी लिखा होता है। इसी तरह आप आ जाएँ बैग, बैग आने के बाद यहाँ पर अपना वो 1400 का जो आधार और रेफर नंबर है वो यहाँ पर एंटर करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बिल है उसको ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑनर का नेम भी आ जाएगा, बिल नेम भी आ चुका है, कस्टमर जो बिल है वो भी नेम भी आ गया चुका है, अली मोहम्मद अली आ चुका है। यहाँ पर आप बिल स्टेटस है, यहाँ पर अनपेंडिंग है, यहाँ पर अनपेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरिंग डेट है और यहाँ पर बिल की अमाउंट है 3741 रुपये और आफ्टर यानी कि बिल ना अगर आप पे करेंगे तो आपको 3952 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद 3700 अमाउंट है। यहाँ पर OTP कोड ऑटो जनरेट भी हो चुका है तो यहाँ पर आपने पे पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से जो बिजली का बिल है वो पे हो जाएगा। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।